प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे 5 लाख रुपए के इनामी आरोपी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन गोवा में मिली है। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की होटल में ठहरने की आशंका है। प्रयागराज हत्याकांड में उमेश पाल सहित दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान अभी फरार चल रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिलते ही प्रयागराज पुलिस सक्रिय हो गई है। वहीं इनपुट मिलने के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ टीम जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक अहमद की पत्नी साहिस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। साहिस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पर यूपी पुलिस पहले ही 5-5 लाख रुपए का इनाम रख चुकी है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल की हत्या के बाद मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी साहिस्ता परवीन और शूटर गुड्डू मुस्लिम की पुलिस पिछले काफी दिनों से तलाश कर रही है। दोनों आरोपी अब तक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे हैं। पुलिस का लुकआउट नोटिस आरोपी गुड्डू मुस्लिम और साहिस्ता को विदेश यात्रा करने से रोकेगा। इन आरोपियों की जानकारी के साथ तस्वीरें सभी हवाई अड्डों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजी जा चुकी हैं। वहीं हाल ही में पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने अशरफ के साले सद्दाम और पत्नी जैनब फातिमा की तलाश में पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी की थी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में माफिया अतीक अहमद का फ्लैट है। इसी फ्लैट में रहकर अतीक के बेटे उमर ने पढ़ाई की थी और पुलिस दिल्ली में ही साहिस्ता की तलाश कर रही है। साहिस्ता को लेकर पुलिस को आशंका है कि वह दिल्ली में कहीं छुपी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।